हमारी एक बहुत बड़ी जीत है और उसकी वजह यहाँ के पढ़े लिखे काबिल खासदार इम्तियाज जलील साहब, मरकज के पेट्रोलियम मंत्री पुरी साहब यहाँ पर जब गैस कनेक्शन की ओपनिंग के टाइम आए तो इम्तियाज साहब ने कड़ा विरोध किया कि ये नौटंकी और ड्रामेबाजी बंद करो, गरीबों के छत सर के ऊपर छत नहीं है और तुम यहाँ गैस कनेक्शन क्या जमीन पे देने वाले हैं क्या, जिसने पहले छत का काम करो, आपके घर कुल आवास योजना जो फेल हो चुकी है, टाटा फिच हो चुकी है, उसको अमल में लाइए। आज के दिन पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने 40,000 से ज्यादा घरों को मंजूरी मिल गई है और इम्तियाज जलील साहब ने ऐसे नहीं कि ये पहला काम किया है, इम्तियाज जलील साहब गरीबों के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, रोड के ऊपर, पानी के ऊपर, हर इशू के ऊपर लड़ रहे हैं। बहुत जमाने के बाद, बहुत सदियों के बाद एक काबिल पढ़ा लिखा जो सारे समाजों की इज्जत करके सारे समाजों को लेकर चलता है, जिसने अमन और अमान का गहवारा बना दिया औरंगाबाद को, सारे समाजों के अंदर एक विश्वास पैदा कर दिया, ऐसा बहुत सदियों के बाद में कहते हैं ना कि वो चमन में दीदावर पैदा होता, वो इम्तियाज जलील साहब पैदा होता। देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, महीर अंसारी। आज जैसे ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद में दिल्ली से खासदार इम्तियाज जलील ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया, एक घोषणा की कि औरंगाबाद के तमाम ऐसे लोग जो बेघर है उनको आशियाना मिलने वाला है, उनके खुद के मकानात होने वाले। ये सुनते ही पूरे औरंगाबाद में तमाम ऐसे बेघर लोग जो आस के मारे लगा बैठे थे कि कब मिलेगा हमें घर, आखिरकार एमआईएम ने वो काम कर दिखाया और खासदार का इस शेर जाता है। चलिए जानते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज पूरे औरंगाबाद शहर में जनता रोड पे ऐसा लग रहा है ईद का दिन है, दिवाली का दिन है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, आज यकीनन आज बहुत खुशी का दिन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो खुशी मना रही है, ये आज हमारी एक बहुत बड़ी जीत है और मैं समझता हूँ कि ये खुशी हम इसलिए मना रहे हैं कि कुछ लोगों ने, कुछ नहीं हजारों लोगों ने एक ख्वाब देखा था कि उनका अपना खुद का घर हो, आज यकीनन वो आज उनका ख्वाब जो है तब मैं समझता हूँ शर्मिंदा ताबीर हो चुका है और उसकी वजह यहाँ के पढ़े लिखे काबिल खासदार इम्तियाज जलील साहब है। आज हम उन गरीबों की खुशी में शामिल है पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम, क्योंकि उनका आज यकीनन उनका ख्वाब पूरा होने जा रहा है और इस ख्वाब को कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों के जरिए कुचल दिया जा रहा था, लेकिन वो खासदार इम्तियाज जलील है जिन्होंने इस बात को उजागर किया पार्लियामेंट के अंदर कि ये सिर्फ और सिर्फ कागज़ों के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है, ज़मीन के ऊपर वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। जब ये बात पार्लियामेंट के अंदर उठी तो यहाँ के ऑफिसरों को वहाँ तलब किया गया तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके बाद उनको वहाँ से वार्निंग देकर जब भेजा गया तो उन्होंने आने के बाद फौरन उसके ऊपर अमल करते हुए जहाँ जहाँ सरकारी स्कीम की जगह जगह थी उन्होंने उसको अलर्ट किया और अलर्ट करने के बाद आज पूरे के पूरे जितने लोगों ने फाइल किए थे कि अपने अपने घर हो गरीबों के, तो आज तमाम लोगों को एक हरी झंडी मिली है और उनके पूरे 40,000 से ज़ायद मकान, मैं समझता हूँ 40,000 लोग नहीं, 40,000 लोग मकान के लोग आज मैं समझता हूँ कि आज खुशी के हकदार है और मैं पूरे आवाम की तरफ से
खातर इम्तियाज जलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस मकसद के लिए औरंगाबाद जिले की जनता ने उन्हें भेजा था चुनकर, आज मैं समझता हूं वोटों का हक अदा किया है उन्होंने। सर जैसे हम देखें, हमें भी जानकारी है कि 82,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, 82, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए 82,000 में से जो स्क्रूटनी के अंदर 40,000 से 45,000 मकान जो सैंक्शन हुए थे, कहीं ना कहीं कुछ पेपरों की वजह से हो सकता है कि उनके कुछ त्रुटि होंगी उसके अंदर, लेकिन जितने सैंक्शन हुए थे वो सारे के सारे लोगों को आज जो है तो उसके अंदर ग्रीन सिग्नल मिला, जबकि इनको जगह अलॉट नहीं की थी। जगह के ऊपर 350 मकान दिए गए थे और वहाँ पे 8,500 बताए जा रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था, लेकिन खासदार इम्तियाज जलील की नज़र होने की वजह से आज उन गरीबों को अपना हक मिला है। सर आज आप यहाँ के नगर सेवक हैं, आप बता सकते हैं कि आपके वार्ड में कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने लोग घर मिले? देखिए सबसे पहली बात तो ये आज हम फूलों के हार पहन के खड़े हैं, इसके हकदार खाली और वाहिद खासदार इम्तियाज जलील साहब का, ये हकीकत है। उनके आवाज़ में, उनकी तुफैल में हमको भी फूल के हार लोग दे रहे हैं। और जैसा आपका सवाल था कि मेरे वार्ड के अंदर मैंने कम से कम 700 से 800 फॉर्म मुफ्त में भरा था, जबकि लोग दुकाना लगा के बैठे थे, 250 रुपये में फॉर्म भर रहे थे, हमने मुफ्त में भरे थे और इंशाल्लाह तमाम लोगों के नाम आ चुके हैं। और जैसा आपका सवाल था कि भाई 40,000 सेंक्शन हो चुके 80,000 में से, तो देखिए ऐसे लोगों के भी फॉर्म भरे गए थे जिनके जाति इमलाक है, जिनके जाति मकानात है, जिनके जाति प्लाट है, ऐसे लोगों को 2.5 लाख की, ऐसे कई लोग हैं जिनको 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट दे चुकी है। लेकिन ये जो 40,000 मकानात की जो बात आप सामने आई है, 40,000 जो मकान इम्तियाज साहब ने जो सेंक्शन कराए, देखिए सिर्फ कागज़ के ऊपर था, जैसा भी हमारे नासिर सिद्दीकी साहब ने बताया, और इसके ऊपर कोई अमल काम नहीं हो रहा था। मरकज के पेट्रोलियम मंत्री पुरी साहब यहाँ पर जब गैस कनेक्शन की ओपनिंग के टाइम आए तो इम्तियाज साहब ने कड़ा विरोध किया कि ये नौटंकी और ड्रामेबाजी बंद करो, गरीबों के छत सर के ऊपर छत नहीं है और तुम यह गैस कनेक्शन क्या ज़मीन पे देने वाले हैं क्या? तो इसलिए पहले छत का काम करो, आपकी घरकुल आवास योजना जो फेल हो चुकी है, टाटा फिच हो चुकी है, उसको अमल में लाइए। और यही आवाज़ को पार्लियामेंट में पूरी शिद्दत से उठाया, पूरे तजुर्बे से उठाया और बिल्कुल डाटा के एम्पेरिकल डाटा के ऊपर बात किया कि कितनी ज़मीन अभी इनके कब्जे में है और कितने मकान बनाए हैं, तो कुछ भी काम नहीं था। फिर मरकज़ के अंदर जब मरकज़ के लोगों ने यहाँ के लोकल प्रशासन को दिल्ली बुलाया, फिर उन्होंने पूरा डाटा बताने के बाद में आज जाके वो जगह के पूरे ज़मीन इक्वायर करे उन्होंने, और आज के दिन पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज जलील साहब में 40,000 से ज़्यादा घरों को मंजूरी बन गई है। तो ये इम्तियाज जलील साहब ने जो वोटो का हक अदा किया है मेरी नज़र में, और इम्तियाज जलील साहब ने ऐसा नहीं कि ये पहला काम किया है, इम्तियाज जलील साहब गरीबों के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, रोड के ऊपर, पानी के ऊपर, हर इशू के ऊपर लड़ रहे हैं। मुखालिफत करने वालों का काम है मुखालिफत करना, उनको कर रहे दो, लेकिन हम तामीर करने का और तरक्की करने का काम कर रहे हैं इम्तियाज जलील साहब। और बहुत ज़माने के बाद, बहुत सदियों के बाद एक काबिल पढ़ा लिखा जो सारे समाजों की इज्जत करके सारे समाजों को लेकर चलता है, जिसने अमन और अमान का गहवारा बना दिया औरंगाबाद को, सारे समाजों के अंदर एक विश्वास पैदा कर दिया, ऐसा बहुत सदियों के बाद में कहते हैं ना कि वो चमन में दीदावर पैदा होता, वो इम्तियाज जलील साहब पैदा होता। सर आप जब कल का दिन निकलेगा तो बीजेपी वाले बोलेंगे हमारा श्रेय, अगाड़ी वाले हमारा श्रेय, कहने की राजनीति शुरू होने वाली सब कल से? सुनिए साहब, राजनीति करने वालों का काम है राजनीति करना, कौन सी बिल में सो रहे थे, कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे कि अभी तक ये स्कीम अमल में नहीं आई थी? तो जब इम्तियाज जलील साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर चिल्ला के कहा कि जब तक मेरे गरीबों का घर नहीं बनेगा तुम्हारा मैं ये तुम्हारा गैस कनेक्शन लगने नहीं दूंगा, तब मरकज की गवर्नमेंट भी जागी, जब बीजेपी वाले जागे तब जाके लोकल प्रशासन जागा। कैसा कहेंगे, क्रेडिट चोर तो वो लोग है जो काम नहीं करेंगे, खाली फूल पहनना चाहेंगे, और जिसने काम करा वो कहा? तो ये हक इम्तियाज जलील साहब का है, और इससे हटके अगर कोई हक लेने की कोशिश करेगा तो मेरी नज़र में वो क्रेडिट चोर है। इस तरह से आपने देखा पूरे औरंगाबाद शहर में एक खुशी का माहौल है, वैसे तो रमजान शुरू नहीं हुआ लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि चांद रात का चांद रात है आज, ये बहुत बड़ी बात है, ये गरीब लोगों की जीत है, आज उनके आंखों से एक खुशी के आंसू छलक रहे हैं। तो एक वाकई खासदार ने बहुत बड़ा काम किया है, हजारों लोगों को दुआएं ली है और यकीनन आने वाले दिनों में भी वो ऐसे ही काम करेंगे और उनकी दुआएं का फल उनको जरूर मिलेगा।